अभी मैं शाहदरा वैली आ गया हूँ और यहाँ से अब मैं शंबर वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ, और साथ एक दोस्त को ले लो ताकि शुगर मेला लगा रहे साथ रास्ते में। इतना इंतजार आधा घंटा हो गया। अपने दोस्त को लिया, शाम अहमद क्लास वालों मेरा, ये भाई स्पेशल पिंडी से आए हैं। अभी हम जाएंगे शंबर वाटरफॉल, वहाँ जाके आपको जो हाइकिंग का है जितना मतलब दुश्वार रास्ता है वो सारा दिखाते हैं। अरे भाई पहुँच गया था। ये गांव आ गया, आगे गांव में हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, वहाँ के जो लोग रह रहे होते हैं वो भी मना करते हैं कि यार ना बनाओ। तो गाँव से हम क्रॉस करके और फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। ये पीछे फिलहाल इतनी स्लोप नहीं थी, अब काम स्टार्ट हुआ है ये देखो। और एक दो तीसरी पहाड़ी के बाद एक पॉन्ड आएगा वाटर का, और इस साइड पे नीचे नीचे पानी जा रहा है, और हमने पानी के साथ ही जो ट्रेल है उसको फॉलो करते हमने ऊपर जाना है। और सांस अभी से फूल गया, पता क्या सूरत हाल है। मैं तो भाई एक्टिव हूं, मेरी तो आदत हो गई है। दो हाइक करने के बाद आदत हो गई है। ये पत्थर का टेक्सचर चेक करें, ये भूर रहे हैं, ये देखें ये बजरी वाले पत्थर मुझे लग रहे हैं उस तरह के। मतलब यार ये मेरी समझ में आ रहे हैं मिट्टी और पत्थर के दरमियान की कोई चीज़ है, भूर रहे हैं। एक्चुअली तो मुदस्सर भाई मेरे साथ हैं, ये इनका गांव है शाहदरा, और इन्होंने हमें इनवाइट किया था, कह रहे आओ विज़िट करो, आपको जगह वगैरह हम दिखाते हैं। तो मुदस्सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फुल हालत ख़राब हो गई है इस वक्त, मगर जो सामने सीन है ना मेरे, जो व्यू है और जो पानी का कलर है, वर्थ इट। इस तरह का अगर पानी नज़र आए ना तो सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए, वो काम करने से पहले थोड़ा सा ये काम कर लो, ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ठंडा गर्म होके वो स्ट्रोक ना हो सके। और अब हम मारते हैं इसमें छलांग। अगर किसी ऐसी नेचुरल प्लेस पे आए हो तो साथ खाना भी थोड़ा सा नेचुरल ले आओ। नीचे हमने सही टुबियाँ शुबियाँ लगा ली हैं, अब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाके देखते हैं कि पानी आ कहाँ से रहा है। एक ये भी क्यूरियोसिटी है कि भाई पानी मतलब निकल कहाँ से रहा है पहाड़ों से, है आप ऊपर जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ से आ रहा है। है ऐसी ख्वाहिशें मेरी बेबसी से जो लड़ती रहे, कुछ ऐसी प्यास है पियो जितना भी बढ़ती रहे, और तुम को खाओ देखूं जिसे हर पैर चाहे आके बंद हो या खुले। भाई वो थाईलैंड वाला इसमें फील आ रहा है, टीपी आइलैंड। ये भाई वगैरह हमें इधर मिले हैं, तो भाई जान किस तरह का फील हो रहा है, आपने नहाया वगैरह इधर? माशाल्लाह हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी है, यहाँ पर लोग आते हैं कचरा फेंकते हैं यहाँ पर, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आएँ इंजॉय करें, नेचर ब्यूटी को ख़राब ना करें और कचरा ना करें। थैंक यू। नहीं चाहूं मैं आजादी जो तेरे दिल में हो,
यहाँ से कहीं मटका में भी गिरने लगा था। दसर भाई, लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मतलब वो आए आपके इलाके में विजिट करें, आपका घर ही है ना सारा, तो क्या वो ख्याल रखें? उनको चाहिए कि गलम गलोच ना करें, ठीक है, और किसी को तंग ना करें। लोगों के घरों में अक्सर लोग घुस जाते हैं और जाके रास्ता पूछते हैं और फिर लोग आगे से बरहम हो जाते हैं, गालियाँ, वो भी फिर गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, और वो साफ सफाई का भी इशू है, मतलब लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं। ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि सारा गंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे नेचर की ब्यूटी खराब कर रहे हैं। यार कसम से मेरा तो घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, दिल कह रहा यही मैं तम्बू शम्बू लगा के चिल्ले छिले काटूँ कोई 30-30 दिन के। भाई आपका भी नहीं कर रहा? भाई ऐसी जगह पे आगे किसका दिल करता वापस कर जाए। अच्छा, वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने कहा था कुछ इजाज़त लेते हैं आपसे, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है, बस शुक्रिया, थैंक यू। धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, मेरे पास अब बैठे हैं।